दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएनडी प्लस में। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत पे एक्स्ट्रा इनकम डेबिट कार्ड की। तो दोस्तों जो हमने भारत पे का एक्स्ट्रा इनकम डेबिट कार्ड ऑर्डर करा था वो फाइनली हमारे को रिसीव हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और साथ ही साथ आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोग जो है भारत पे का एक्स्ट्रा इनकम डेबिट कार्ड है वो कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो मेरे को ये भारत पे का कार्ड रिसीव हुआ आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको अनबॉक्सिंग यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ जो पैक में रिसीव हुआ सबसे पहले। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार के पैकेज में आप लोगों को रिसीव होने वाला है अगर आप लोग भारत पे एक्स्ट्रा इनकम डेबिट कार्ड ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ पे एक QR कोड मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का एड्रेस होता है यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पे वाइट टेप लगा रखा है। उसके बाद यहाँ पे एक QR कोड मिल जाता है और आपको जो यहाँ पे एक ID मिल जाती है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये कार्ड जो है रिसीव नहीं होता तो ये इस एड्रेस पे जो कि भारत पे के इस एड्रेस पे ये रिटर्न कर दिया जाता है अगर आप लोगों को ये कार्ड रिसीव नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बताया गया इस पैकेज में थोड़ा सा इनके कस्टमर केयर सपोर्ट के जो नंबर वगैरह ईमेल आईडी वगैरह भी यहाँ पे प्रिंटेड है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और इसको आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं यहाँ पे। तो ये पैकेज दोस्तों खाली है, यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ये पेज देख सकते हैं, ये पेज यहाँ पे रिसीव हुआ। यहाँ पे दोस्तों इस कार्ड को एक्टिवेट करने का इसमें जो कि स्टेप बताए गए हैं आप लोग कैसे जो इस कार्ड को है एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ दोस्तों आपको कार्ड के ऊपर एक QR कोड मिल जाता है, जो इस QR कोड को आप लोगों को जो कि स्कैन करना होता है। उसके बाद से आपको जो KYC यहाँ पे KYC कंप्लीट करनी होती है, जैसे आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से, उसके बाद आपका जो कार्ड है वो एक्टिवेट हो जाता है, आपको पिन सेटअप करना होता है। उसके बाद से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग जो है अपना भारत पे एक्स्ट्रा इनकम कार्ड एक्टिवेट करते हो तो यहाँ पे आपको 100 रुपये तक कैशबैक मिल जाता है आपके जो कार्ड एक्टिवेशन के बाद। तो चलिए दोस्तों हम अपना जो कार्ड दिखाते हैं, दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना जो कार्ड दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है जो मेरा भारत पे का एक्स्ट्रा इनकम डेबिट कार्ड। दोस्तों यहाँ पे चलिए मैं ये कार्ड निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ये है जो हमारा भारत पे का एक्स्ट्रा इनकम कार्ड। दोस्तों ये मास्टर कार्ड है। और एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे आप लोगों को, मैं ये देख सकते हैं जो कि ये SBM बैंक का है। दोस्तों ये SBM बैंक की तरफ से आपको जो भारत एक्स्ट्रा इनकम कार्ड है वो SBM बैंक की तरफ से यहाँ पे इशू करा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक QR कोड मिल जाता है, जिस QR कोड को आप लोग स्कैन करके आप लोग जो है इस कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस पे आपको कॉन्टैक्टलेस जो कि एक चिप मिल जाती है, यहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं इस कार्ड से। जो भी आप लोगों के भारत पे में अमाउंट होता है दोस्तों वो आप लोग इस कार्ड से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो कि ATM से भी आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ATM से अगर विड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस लिए जाएंगे ATM से ट्रांजेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो कि कार्ड है ये ब्लैक कलर का कार्ड है और यहाँ पे दोस्तों एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पे भारत पे का लोगो हो जाता है यहाँ पे, जो कि ये SBM बैंक का दोस्तों ये कार्ड है। आप लोगों को SBM बैंक का जो ये मास्टर कार्ड है SBM बैंक की तरफ से आपको मिलता है यहाँ पे, जो कि मास्टर कार्ड दोस्तों भारत पे मर्चेंट यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि भारत पे मर्चेंट यहाँ पे इस कार्ड के ऊपर प्रिंटेड होता है। और यहाँ पे दोस्तों एक्स्ट्रा इनकम कार्ड भी प्रिंटेड है और भारत पे का यहाँ पे आपको लोगो मिल जाता है जो कि गोल्डन कलर का। यहाँ पे दोस्तों SBM बैंक की तरफ से ये कार्ड इशू करा जाता है। यहाँ पे आप लोगों को जो एक्टिवेशन कोड मिल जाता है, इस QR कोड को आप स्कैन करेंगे तभी आप लोग जो है इस कार्ड को एक्टिवेट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गया इसका कार्ड, आप लोग देख सकते हैं सिर्फ जो भारत पे की तरफ से हमें रिसीव होता है सिर्फ कार्ड यहाँ पे रिसीव हुआ है और तो कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कवर है दोस्तों इसका, जिसमें हमारा कार्ड ये रिसीव हुआ। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो कि आपको कैशबैक मिल जाता है एवरी स्पेंड पे, आप लोग कैश विड्रॉ कर सकते हैं ATM से और आप इसे यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन यूज कर सकते हैं या फिर एनी स्टोर पर आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। और नो फीस यहाँ पर आपसे इस जो कि इस कार्ड पर कोई भी फीस नहीं ली जाती है, जैसे एनुअल चार्जेस या इशू फीस आपसे कोई भी चार्जेस इस कार्ड पर नहीं लिए जाते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा जो भारत पे का एक्स्ट्रा इनकम डेबिट कार्ड है जो मास्टर कार्ड है, और ये SBM बैंक की तरफ से इशू करा जाता है। ये पहले ही इशू कर दिया जाता है, लेकिन आपके पास बाद में अगर आप जो है अपने भारत पे इंटरेस्ट अकाउंट में कुछ अमाउंट मेंटेन करते हैं तो ये कार्ड आप लोगों को वहाँ पर ऑर्डर करने का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप लोग जो है भारत पे जो इंटरेस्ट अकाउंट है उस पर अमाउंट मेंटेन नहीं करते तो ये ऑर्डर करने का ऑप्शन आप लोगों को नहीं मिलता। अगर आप लोग जो है भारत पे का कार्ड ऑर्डर करने वाले हैं तो आपके पास जो है ये कार्ड मिलने वाला है दोस्तों, जो कि SBM बैंक का कार्ड है। दोस्तों SBM बैंक का कार्ड आप लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों मैं अब इस कार्ड को यहाँ पर एक्टिवेट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कि आप लोग जो है ये कार्ड है
वो कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। बाद से हम लोग आ गए हैं फ्रेंड्स भारत पे ऐप में, तो यहाँ पे हम लोग अपना जो है एक्स्ट्रा इनकम डेबिट कार्ड है वो यहाँ से एक्टिवेट करने वाले हैं। तो सिंपली आप लोग जो है अपना कार्ड एक्टिवेट करने के लिए आ जाएंगे भारत पे ऐप में। उसके बाद से नीचे यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है एक्स्ट्रा इनकम कार्ड का ऑप्शन जो मिल जाता है आप लोगों को। तो सिंपली आप लोग एक्स्ट्रा इनकम कार्ड पे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक्टिवेट नाउ का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप लोग कोने पे देख सकते हैं दोस्तों जो एक्टिवेट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग सिंपली जो एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करेंगे उस पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जो कि 5 स्टेप में आप लोग जो है अपना कार्ड एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहले अपना जो आपका जो QR कोड स्कैन करना पड़ेगा, जो आपके डेबिट कार्ड के ऊपर प्रिंटेड है वो QR कोड आप लोग स्कैन करेंगे। उसके बाद सबमिट, आप लोग KYC डिटेल यहाँ पे सबमिट करेंगे। उसके बाद से आप लोग जो है अपना कार्ड नंबर यहाँ पे जो लास्ट के 4 डिजिट है वो कार्ड नंबर एंटर करेंगे, और उसके बाद एक पिन सेटअप करेंगे, और उसके बाद फाइनल OTP आपको एक रिसीव होगा, आपका जो कार्ड एक्टिवेशन है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे जो कि कार्ड एक्टिवेट नाउ का ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो कार्ड एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है तो हम लोग सिंपली कार्ड एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमें जो देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जो है अपने कार्ड का जो QR कोड है वो यहाँ पे आप लोग स्कैन करिए, जो आपके कार्ड के पीछे QR कोड होगा वो यहाँ पे स्कैन करना होगा। तो चलिए दोस्तों मैं ये QR कोड यहाँ पे स्कैन कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप लोग जो है इसको स्कैन कर लेंगे, आपके जो भी कार्ड के पीछे QR कोड होगा। यहाँ पे स्कैन होते ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो QR कोड है वो स्कैन हो गया सक्सेसफुली। आप लोग जैसे ही अपना QR कोड स्कैन करेंगे यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड नंबर आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, उसके बाद से यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, जो भी आपने KYC करने के टाइम आपने अपना नाम डाल रखा होगा, जो भी आपके पैन कार्ड के ऊपर नाम होगा आपका पैन कार्ड नंबर और आपका जो नाम है वो भी आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपकी पैन कार्ड की फ़ोटो भी आ जाएगी, जो अपने आप आपने जो KYC करने के टाइम अपलोड करी होगी। उसके बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप लोगों की सेल्फी है वो पहले से यहाँ पे अपलोडेड रहेगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपको जो है सिर्फ अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, यहाँ पे आप लोगों को अपना आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक अपलोड करना है। तो चलिए दोस्तों हम जो है अपना आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक अपलोड कर देते हैं यहाँ पे फटाफट से। दोस्तों आप लोग अपने आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक फ़ोटो अपलोड करेंगे, उसके बाद आप लोग उसको सबमिट पे क्लिक करेंगे। आप लोग जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहाँ पे दोस्तों आप लोगों को आपके कार्ड के लास्ट 4 डिजिट एंटर करने होंगे। दोस्तों वहाँ पे आप लोग अपने कार्ड के लास्ट 4 डिजिट एंटर कर लेंगे, उसके बाद आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आप लोग जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। दोस्तों वहाँ पे आपको एक 4 डिजिट का पिन सेटअप करना होगा। दोस्तों वहाँ पे आप लोग अपने कार्ड का एक 4 डिजिट का पिन सेटअप कर लेंगे, उसके बाद से दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। वो OTP दोस्तों वहाँ पे आप लोग फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद आप लोग एक्टिवेट कार्ड पे क्लिक करेंगे। आप लोग जैसे ही एक्टिवेट कार्ड पे क्लिक करते ही वैसे ही आपका जो कार्ड है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों जो कि मेरा कार्ड है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट है, और यहाँ पे मुझे 100 रुपये कैशबैक भी मिल गया। दोस्तों आप लोग अपना जो भारत पे का एक्स्ट्रा इनकम डेबिट कार्ड एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको कार्ड एक्टिवेट करने के लिए 100 रुपये इंस्टेंटली क्रेडिट कर दिए जाते हैं, जो कि आपके भारत पे बैलेंस पे कैशबैक तुरंत मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग जो है अपना भारत पे का एक्स्ट्रा इनकम डेबिट कार्ड एक्टिवेट करना चाहते हो तो ये बहुत आसानी से आप लोग सिर्फ 5 स्टेप में एक्टिवेट कर सकते हो। दोस्तों मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाई थी लेकिन किसी एरर की वजह से वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, जो कि बीच में ही कट गई, इस वजह से मैं आप लोगों को यहां पे लाइव प्रोसेस करके नहीं दिखा पाया। तो दोस्तों अगर आप लोग जो है अपना भारत पे का एक्स्ट्रा इनकम डेबिट कार्ड एक्टिवेट करना चाहते हैं तो सिर्फ 5 स्टेप में आप लोग बहुत आसानी से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कार्ड एक्टिवेट करने के लिए जो कि 100 रुपये का कैशबैक इंस्टेंट मिल जाता है दोस्तों, अगर आप लोग अपना जो कार्ड एक्टिवेट करते हैं, अभी इसमें ऑफर चल रहा है तो दोस्तों आप लोगों को 100 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक मिल जाता है, जो कि मुझे इंस्टेंट ही रिसीव हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो लाइक करिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आप लोग ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो यार इसके लिए आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।